The government has now banned 118 more Chinese apps, including PUBG. Hey, what's up guys? PUBG बैन होकर 3-4 दिन हो चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया के लोगों के क्या रिएक्शन है PUBG बैन को लेकर। PUBG इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज एन इमोशन। पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, देखो चाचा, देखो देखो विनर विनर चिकन विनर विनर चिकन विनर विनर चिकन। और इस बच्चे का एक्सप्रेशन देखो भाई, एक बार देख कैसा लग रहा है, कितना ही दुख है इसकी जिंदगी में। प्लेन में से पैराशूट लेके ड्रॉप करने का, और 100 जन रहते हैं आइलैंड में, सब घर में गन्स रहता है, बॉम्ब रहता है, बैग, मेडिकल किट, वो सब लेने का, और एरिया छोटा छोटा होते जाता है, तो सबको मारने का और सरवाइव करने का। पूरा रट के आया ही है। नहीं मतलब अभी पबजी की एग्जाम कराओगे तो 100 में से 250 मार्क लेके आएगा। 2.5 मतलब 2.5, तुमको मालूम है? मुझे नहीं मालूम था। बहुत ज़्यादा खेल लिया तो फिर बाकी सब चीज़ पे भी वो असर पड़ता है कि आप पढ़ाई नहीं करते, और लोग बहुत लोग रहते हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक खेलते हैं। तो बहुत लोग रहते हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक खेलते हैं। आई एम बहुत लोग। हम खेलते हैं दिन भर में, कितनी बार खेलते हैं? 1.5 घंटा खेलता हूँ मैं, लाइक घंटा खेलता हूँ। अच्छा, आप भी खेल रहे थे? हाँ। क्या होता है ऐसा इस गेम में, ऐसा क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें सबको मारना, बाद में टीम में खेलना, उसमें सब मजा आता है। अच्छा, रियल गेम ग्राउंड में जाकर खेलते हो क्रिकेट, फुटबॉल या छुपा छुपी? कभी कभी खेलता हूँ। आप भी खेलते हैं? नहीं मतलब ये बंदे तो होते हैं जिनको हम बॉट समझ के मारते हैं। और यार पहले तो इसको अंदर डालो, ये तो एक तो 16+ गेम है पबजी, और मुझे तो कोई एंगल से 16+ लगता नहीं है बंदा। डालो इसको अंदर डालो। नहीं होना चाहिए ना, मतलब बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितने बेरोजगार है ना उन्हें कोई काम तो है नहीं। रोजगार ना, लड़के हैं जैसे जैसे कौन, मतलब स्टूडेंट्स हो गया हूँ मैं, बेरोजगार था तो मैं पबजी खेलता था पहले। भाई पहले मैं बेरोजगार था तो पबजी खेलता था, अब पबजी बैन हो गया तो बेरोजगार लोग क्या करेंगे? वैसे ढूंढे भी बेरोजगार है, ढूंढे तू क्या करेगा रे? अरे पीयूष, अभी तो सिर्फ पबजी बैन हुआ है और नया गेम आने वाला है फौजी, मैं फौजी खेलूंगा। हाँ, क्योंकि इससे काफी क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, तो इससे बच्चों के उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देंगे, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। PUBG क्राइम, अबे रिलेशन क्या है? नहीं मतलब तुम PUBG देख के भी बंदों को, रैंडम बंदों को रस्ते पे पैन लेके मारने जाओगे, और बंदा एक हेडशॉट में फिनिश, कास्कारा का कूप्स, कुछ भी। इससे बच्चों के उस पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। PUBG बैन, TikTok बैन, तो अब से हर बच्चे को 100% लाने चाहिए, नहीं? वैसे डीप इनसाइड वी ऑल नो कि PUBG किस औरत की वजह से बैन हुआ है। गेम्स की तरह उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। ये पबजी वाला है क्या? अकॉर्डिंग टू मोदी जी, बॉर्डर पर लड़ाई और देश में कमाई एक साथ नहीं चलेगी। इंडियन पेरेंट्स, इनका तो पबजी के साथ अलग ही रिश्ता बन रहा है भाई। मतलब जब तुम पबजी खेलते हो तभी तुमको सब्जी लेने भेजा जाता है, जब तुम लास्ट जोन में होते हो तभी तुमसे पानी की बोतलें भरवाई जाती है। इनको पबजी का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, बट इनको बताया कि जब तुम पबजी खेलोगे तो तुम्हारी करियर की, और बच्चे तो पबजी में इतने खो जाते हैं कि इनके पापा इनको कहते हैं कि 15 मिनट में स्टेशन लेने आ जाना, और ये 20 मिनट बाद जाता है कोचिंग की। वैसे आप PUBG बैन होने की न्यूज आ चुकी है, और ये न्यूज सुनकर इंडियन पेरेंट्स का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। मेरा देना साथी से।
दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाना मत भूलिएगा। मदर प्यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।